अब बकरी आपकी हीट में भी आती है, अब वो बकरी हीट में आती है तो क्या लक्षण पहचान आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी बकरी हीट में आई है। क्योंकि हम यहाँ पे देखो, ये वैसे तो ये काम ग्रेजिंग में तो बकरा अपने आप कर देता है, बकरा अपने आप इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देता है, बकरे उसके अंदर हार्मोन रिलीज होते हैं, उसके पेशाब के रास्ते में हार्मोन रिलीज होते हैं, बकरा उसे सूंघता है, आपने देखा होगा वो फेरीमोन्स होते हैं उसके अंदर, जो हार्मोन्स होते हैं उसे फेरीमोन होते हैं, वो उसके ओल्फैक्टरी लोब यानी दिमाग के हिस्से में जाते हैं, वहाँ उसको वो जज करते हैं, जज करने के बाद वो बकरा बता देता है ये हीट में है या नहीं है। बट आपको जो डेली रूटीन में है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल है, यहाँ पर मेल और फीमेल को इतना मिलने नहीं दिया जाता, तो कब आपकी बकरी हीट में आई है आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि स्टॉल फीडिंग में क्या होता है कि यदि आपने उसको एक साइकिल छूट गई तो अगली साइकिल आएगी 18-20 दिन के बाद में, तो फीडिंग की एक कॉस्ट आती है। माने जैसे आप स्टॉल फीडिंग कर रहे हैं तो आपकी 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये डेली की एक कॉस्ट आएगी, ठीक है ना। आपकी एक साइकिल छूट गई या दो साइकिल छूट गई, फिर पता चला कि वो 6 महीने बाद में हीट आ, तो आपकी सपोज लो आपकी 15 रुपये की कॉस्ट आ रही है और आपकी 6 महीने छूट गए, तो आपकी 15 रुपये इंटू 180 दिन, ये आपकी कॉस्ट बढ़ गई, आपका कोई प्रोडक्शन नहीं मिला। तो ये किसकी गलती से हुआ? आपकी गलती से हुआ, बकरी की तो कोई गलती नहीं थी। तो ये ना हो तो आपको कुछ वो लक्षण दिखाती है, अपने बॉडी साइंस दिखाती है, वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। बकरी जब छोटी जात की बकरी होगी, जैसे बर्बरी जो बकरी है, ये तो 5 महीने से के बाद में हीट माना शुरू कर देती हैं, पर जो सिरोही है, सिरोही करीब साल सवा साल में, और बल्कि जो बीटल है, बीटल ज़्यादा टाइम लेती है, बीटल और जमुनापरी ये ज़्यादा टाइम लेती है, 1.5-2 साल तक चली जाती है। हाँ, दो उस्मानाबादी तो जल्दी आती है, ये तो 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने में आती है, सुरोही साल में करीब 12 महीने की हो जाती है, तब आती है, ठीक है। आपने अपनी बकरी को क्रॉस कब कराना है, वो हीट में तो 5 महीने में भी आ जाएगी, पर आपने उचित समय क्या है, ठीक है। जब उसकी आपने सपोज आपने कोई बर्बरी पाली है, बर्बरी का एवरेज वेट 24-25 किलो आता है, तो जब उसका बच्चा 65-70% वजन गेन कर ले, वेट गेन कर ले, यानी वो 25 किलो की एडल्ट बकरी होती है, 25 किलो का 70% कितना होता है आप देख लीजिए, 7 × 2 = 14, करीब 18 किलो के करीब बैठेगी, इतना उसका मिनिमम वेट होना चाहिए उस बकरी का। माने जिस पे फीडिंग कराएंगे, क्रॉस कराएंगे ना। यदि आपकी 50 किलो की बकरी है तो यानी 30-50 किलो की बकरी है तो 34-35 किलो उसका वजन होना चाहिए, वो एक आदर्श स्थिति मानी जाती है कि हमने उसको करा दिया, माने वो सही है, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या होता है, जब वो बकरी हीट में आती है, देख डिस्चार्ज सा निकलता है, सफ़ेद सा रंग का, पानी के रंग का लिक्विड निकलता है, ठीक है। पीछे से बकरी बहुत ज़्यादा पूँछ हिलाएगी, बार बार पेशाब करती है, ठीक है, और कई बकरियाँ चिल्लाती भी हैं, ठीक। तो यदि आपकी बकरी सुबह आई है हीट में तो आप शाम को क्रॉस कराइए, शाम को आई है तो सुबह क्रॉस कराइए, ठीक। क्योंकि वो जो अंडा है ना ओवरी से, उसे बाहर आने में जहाँ वो फेलोपियन ट्यूब के रास्ते बीच में आता है, तो उसको कम से कम 12 घंटा लग जाता है आने के लिए। तो वो जो अंडा वहाँ पे उसका रहेगा, बच्चेदानी के अंदर रहेगा, माने बच्चेदानी के अंदर आने के लिए अंडाशय से बकरा निकलता है, वो अंडा निकलता है, अंडाशय से फिर एक ट्यूब होती है, फेलोपियन ट्यूब होती है, और फिर वो बच्चेदानी में आती है, तो इसमें आने में टाइम लगता है, ठीक है। अंडा बनते ही वो शुरू हो जाती है बकरी हीट में आना, ठीक। तो जो शुक्राणु की जो उम्र होती है वो करीब 12 से 24 घंटे होती है, तो बहुत पहले करा देंगे तो भी समस्या आती है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, पर बेस्ट ये रहता है कि सुबह की आई है तो आप शाम को कराइए, शाम को आई है तो सुबह भी कराइए, ठीक। बकरी 2-3 दिन तक रहती है हीट में। सर कितने दिन में सर्कल आता है फिर दोबारा से, अभी नहीं हो पाया, कंसीव नहीं हुआ तो 18 से 21 दिन के बाद में, और कई बकरियां 4th-5th दिन भी आ जाती है दोबारा। कितने बार तक है सर्कल कंटिन्यू चलता रहता है जब तक वो? नहीं, बकरियों के बने ऐसा नहीं है कि वो लगातार ही चलते रहते, इनका सीजन आता है, ये सर्दियों में या गर्मियों में, साल में 2 बार करीब सीजन आता है, 2 से 3 बार, ठीक है। सर, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जैसे अपने को ठंड के समय नहीं लेना है, हाँ, है ना, तो
नहीं, ठंड के समय नहीं लेना, ऐसा नहीं बोलना। वो बच्चे कब देगी आपको वो चीज कैलकुलेट करना है, पांच महीने बाद जैसा आगे लक्षण ठंड के समय ही उनको जैसा होने वाला है, हाँ तो उसको कितने बार अपन हाँ वो बच्चे वाले वो जो आप कह रहे हो ना कि अवॉइड करना है, तो आप अपने क्योंकि हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की ठंड है, अलग अलग है। यदि आपने जो आपने सीज़न है सपोज है, तो आपके यहाँ पे यदि जनवरी फरवरी में ठंड ज़्यादा होती है तो आप उसको उस टाइम पे ना क्रॉस कराइए, उससे 150 दिन कैलकुलेट कर लीजिए आगे। क्रॉस कराने से 150 दिन बाद का आप सीज़न कैलकुलेट कर लीजिए क्या होगा, तो उस है प्लस माइनस 5 डेज, हाँ हाँ 150 5 महीने कर लीजिए कैलकुलेट मोटा माटी, तो आप वो देख लीजिए कि उस टाइम पे क्या कौन सा सीज़न होता है, बहुत ज़्यादा बरसात है या बहुत ज़्यादा वो ठंड है, वो आप देख लीजिए। सर क्रॉस करवाने के लिए वेट का कुछ रेशियो रहता है, जैसे अभी आप बोल रहे थे बोर और बारबरी नहीं हो सकता, तो बोर और बारबरी और वो 2 या 3 दिन के बाद में वो जो आपका लिक्विड वैसा गाढ़ा सा द्रव निकलता है वो थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है, वो पीले से रंग का हो जाता है, तो 3 दिन के बाद में फिर बकरी शांत हो जाती है। ठीक है, यदि हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो फिर वो दोबारा आएगी। ठीक, उसके लिए क्या करते हैं हम, कई बार हमसे छूट माने ऐसा जब बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट हो जाता है ना, तो 100-200 बकरियाँ जाती है तो हम नहीं पता कर पाते हैं कि हमें नहीं दिखता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक खस्सी बकरा कैस्ट्रेटेड मेल को जब हम अपनी बकरी निकालते हैं तो एक कैस्ट्रेटेड मेल को छोड़ देते हैं। ठीक है, कैस्ट्रेटेड मेल वो बकरा तो बकरा ही है, वो स्मेल करके बता देता है क्या है, बट वो कुछ नहीं कर रहा, उसके बाद हमने उसे जिसमें उसने इंटरेस्ट दिखाया तो हम उसे पकड़ लेते हैं, पकड़ के उसे बांध देते हैं, देन फिर जिससे हमने क्रॉस कराना है उससे हम क्रॉस करा देते हैं। तो एक बार सुबह एक बार शाम को हम एक टीजर बकरा के रूप में कहते हैं वैसे होते हैं। यदि आपके पास में खस्सी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसके नीचे कपड़ा बांध दीजिए, वो स्मेल करके बता देगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी। ठीक है, तो सुबह वाले को आपने शाम को कराना है, शाम वाले को सुबह कराना है, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी मेरी बकरी हिट में कौन सी नहीं हिट में। कई बार क्या होता है कि आपकी बकरी आप पाले जा रहे हो पर वो हिट में ही नहीं आ रही है, तब तो जैसे मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा जो मोटी बकरियाँ होती हैं ना, तो उनमें क्या होता है कि फैट की जो चर्बी की मात्रा जो उनके ऑर्गनों पर ज़्यादा चिप हो जाती है, यानी चर्बी उसके लीवर में अटक लीवर में गुर्दे के ऊपर आ जाएगी, उसके अंडाशय के ऊपर ओवरी के ऊपर आ जाएगी, तो ऐसी बकरियाँ गाभिन नहीं हो, हीट में भी आ जाएंगी तो पर वो गाभिन नहीं हो पाती हैं या आती ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मोटाना भी नहीं है अपनी बकरी को। ठीक, फिर क्या हो जाता है, या बहुत ज़्यादा आपने कमज़ोर है बकरी भाई, उसके अंदर माने प्रोटीन की कमी है, उसके अंदर ताकत की कमी है, उसके अंदर मिनरल की कमी है, भारतीय अपने परिस्थितियों में मिनरल की बड़ी कम होती है, अधिकतर एबॉर्शन होने के चांसेस और क्या कहते हैं ये हीट में ना आने का कारण मिनरल्स की कमी होता है। ठीक है, कुछ मिनरल्स एक मैक्रो मिनरल्स होते हैं, यानी जो कि शरीर में ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, ठीक है ना, फॉस्फोरस हो गया, ये शरीर को ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कि कम मात्रा में चाहिए होते हैं पर चाहिए होते हैं, जैसे कोबाल्ट आता है, सिलेनियम होते हैं, मैग्नीज होता है, ये कम मात्रा में चाहिए होते हैं पर चाहिए होते हैं, तो कभी कभी इनकी कमी से कारण भी आपकी बकरी हीट में नहीं आती है। तो पहले क्या होता था, जैसे चरागाह में हम चराने जाते थे तो बकरी विभिन्न प्रकार की झाड़ी वो खाती थी, तो किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है, ठीक है, तो आपकी बकरी को जो है मिनरल्स की कमी इतनी नहीं होती थी। अब क्या होता है, अब स्टाल फीडिंग कर रहे हैं हम, स्टाल फीडिंग में आप एक ही किस्म का चारा खिलाओगे, ठीक है ना, यदि आपने सुपर नेपियर लगाया तो सुपर नेपियर खिलाओगे, बाजरा लगाया तो बाजरा खिलाओगे, बरसीन लगाई है तो बरसीन खिलाओगे, तो जो चीज़ बरसीन में होगी या जो चीज़ उसमें रिजका में होगी आप वही खिला पाओगे, बाकी चीज़ तो नहीं खिला पाओगे, तो कुछ तो कमी आएगी। फिर जंगल में तो विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं, जो कमी आपकी मिट्टी के अंदर, यदि आपके अंदर मिट्टी में जिंक की कमी है तो जो उसमें फसल लगी होगी उसके अंदर भी जिंक की कमी होगी, तो आपकी बकरी के अंदर जिंक की भी कमी होगी। जब आपकी बकरी के अंदर जिंक की कमी होगी तो आपकी बकरी के बाल जो होंगे वो उतने चमकदार नहीं होंगे, उतने कमजोर, वैसे वो कमजोर, माने हर मिनरल के कारण कुछ ना कुछ होता है, तो वो चीज़ कमी होगी। तो इसलिए स्टाल फीडिंग में मल्टी मिनरल का एक रोल बढ़ जाता है। मार्केट में विभिन्न प्रकार के मल्टी मिनरल्स अच्छी कंपनी का आप ले लीजिए, 50 ग्राम से 10 ग्राम प्रति जानवर आपको देना पड़ता है। ठीक, पर डे रहता है, ठीक।
कई बार क्या होता है कि पौष्टिकता की कमी, जैसे मना है मिनरल्स की कमी जो होती है उसके कारण भी हो जाता है। कई बार क्या होता है कि अंडाशय के ऊपर मस्सा आ जाता है, पॉलिसिस्टिक ओवरी कहते हैं, उसमें आपकी बकरी बार बार हीट में तो आती है बट वो क्रॉस भी कराते हो फिर आ जाती है वो बार बार आती रहती है हीट में। तो इसमें केस में, अधिकतर केस में क्या होता है, वो अंडाशय के ऊपर एक मस्सा टाइप का सा, एक सिस्ट टाइप की सी बन जाती है जिसे पॉलिसिस्टिक ओवरी कहते हैं। तो वो हार्मोनल थेरेपी से उसको कंट्रोल किया जाता है। और वो तो इसलिए बहुत ज़्यादा यदि आप मोटी बकरी देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप मर्दाना टाइप की बकरी देख रहे हैं, तो उसे थोड़ा अवॉइड करिए, ठीक है, उनमें ये समस्या हो सकती है। फिर आपने आप बकरी ले आते तो बकरी को गाभिन कराने से पहले आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ठीक, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमने उसे गाभिन करा दिया तो फिर हम नहीं कर पाते हैं। गाभिन कराने से पहले आपकी बकरी का टीकाकरण हो रखा है नहीं हो रखा, मैं टीकाकरण एक पूरा टॉपिक लूँगा कौन कौन से, तो वो टीका कि सपोज बाय द वे आपकी बकरी को PPR का नहीं हो रखा है और आपकी बकरी चौथे महीने और पाँचवें महीने के उसमें गाभिन पीरियड में है और आपके फार्म पे PPR की बीमारी आ गई, तो आप वैक्सीन लगाओगे तो भी समस्या होगी और नहीं लगाओगे तो भी समस्या होगी, ठीक है। तो आपकी बकरी का टीकाकरण हो रखा है पूरा के पूरा, यदि आपको अपने क्षेत्र में तो पता चल ही जाता है कि भैया कि यहाँ पे खुरपका मुँहपका की बीमारी बहुत आती है या निमोनिया की बहुत शिकायत होती है, तो आप अपनी बकरी का टीकाकरण पूरा करके रखें। फिर बकरी प्रेगनेंसी में क्या साइन एंड सिम्टम्स बताती है, वो भी आऊँगा अभी, तो मैंने खाली हीट में और फिर प्रेगनेंट वो भी आऊँगा, किसी टॉपिक में आ जाऊँगा। फिर आपने ये देखना है कि आपने बीमार बकरी का नहीं कराना है, बीमार बकरी को प्रेग्नेंट नहीं कराना है। बीमारी से यदि वो उठ गई है, ठीक हो गई है, थोड़ा उसे रिकवर होने दीजिए उसके बाद में, क्योंकि प्रेगनेंसी भी एक स्ट्रेस है, ठीक है। आपने वैक्सीनेशन भी कर दिया, उसकी फिजिकल कंडीशन भी देखनी है, यदि आपकी बकरी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा हुआ है, तो उसे भी ना कराएं, पहले उसे ज़रा हृष्ट पुष्ट होने दें। आप अपनी बकरी को प्रेग्नेंट कराने से पहले उसकी डिवॉर्मिंग जरूर कर दें, डिवॉर्मिंग का टॉपिक अगला ही है, डिवॉर्मिंग यानी पेट के कीड़े उसके जंत मार दें, क्योंकि कई जंतनाशक ऐसे हैं जो कि प्रेगनेंसी में नहीं दिए जाते, बच्चा एबॉर्ट होने के या उसके अंदर बच्चे के अंदर कोई डिफॉर्मिटीज़ होने के चांसेस हो जाते हैं, तो इसलिए अपने बकरी के पहले डिवॉर्मिंग करवा दें, ठीक है। प्रेगनेंसी में कई दवाइयाँ होती हैं जो कि नहीं दी जाती हैं, ठीक, आप सबसे आपके जैसे भी आपकी कोई बीमारी होगी तो अधिकतर जो फॉर्म में होगा तो पैरावेटी आएगा, कभी भी अपने जानवर को डेक्सामिथासोन का प्रेगनेंसी में कभी इंजेक्शन ना लगवाएं। डेक्सामिथासोन का इंजेक्शन होता है प्रेगनेंसी में, बिल्कुल नहीं, बच्चा एबॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। डेक्सा का प्रयोग बिल्कुल ना करें, कोई भी स्टेरॉइड नहीं करें। एल्बेंडाजोल नाम का जंतनाशक भी प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता, उससे भी बच्चा एबॉर्ट होता है, ठीक है। वैक्सीनेशन भी हम अवॉइड करते हैं, ठीक, और कोई भी दवा देने से पहले किसी जानकार आदमी से पूछ लें कि ये जरूर ये दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ, ठीक, ये बात याद रखें। पर डेक्सा और एल्बेंडाजोल तो आपने जरूर देखना है कि आपने नहीं देना है ये जंतनाशक।